ये कार्य तो एक गोबर का भूंड करता है, गोबर का भूंड। अगर हमने यही काम के लिए मनुष्य जीवन पाया है तो गोबर का भूंड कैसा होता है? खेतों में पशु गोबर करते हैं और उसको भूंड होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस गोबर को निकालते हैं, उसमें से उसके गोली बनाते हैं, गोले छोटे छोटे, और उसको धका के उसको रोल करके अपने बिल में भर लेते हैं। उस बिल को गहरा बनाते रहते हैं मिट्टी से खोद खोद के, और उसको गोबर को ठोक लेते हैं ग्रोले बना बना के, वो गोबर खाते हैं। वो प्राणी वही होते हैं जो मनुष्य जीवन में माया जोड़ 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 कर बैंक भर ले, कोठी बना दे, बंगले बना ले। फिर वो क्या करते हैं, वो हमने देखा कई बार, हम क्योंकि दास का जन्म किसान परिवार में हुआ, खेतों में जाना पड़ता था, पाली भी गए कई बार पशुओं के साथ, तो वो दोनों पति पत्नी भूंड गोबर को इकट्ठा करते हैं, अच्छा मोटा गोला बनाकर उसका, और फिर उसको दोनों दखा कर ले जाते हैं, एक आगे से एक पीछे से, और मंडिया रहे इतने गोबर पूरा ना खत्म कर लें, कहीं और ना ले जा और कम पड़ जा। और कभी कभी भैंस या गाय के पैर के नीचे आके वो दोनों ही मर जाते थे, वो गोबर धरा धरा रह जाता इकट्ठा करा कराया बिल में। तो यदि हम मनुष्य जीवन पाकर भी इससे काम लगे हैं, ये मंत्रियों के आप सुनते हो कि क्या इनके कैसी लीलाएं आप सुन रहे हो, किसी पर इतने घोटाले का आरोप है, किसी ने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, और ऐसे ये मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, कोई हेलीकॉप्टर के उससे दुर्घटना से मर गए, कोई बीमारी से, कोई किसी और हादसे में मारे गए, वो गोबर जो इकट्ठा कराया था सारे जीवन में वो धन वो यहीं रह गया, कोई ना जाने कौन बरतेगा, और वो भाई की तक गदा बनकर जिस जिस से वो पैसे ले रखे थे सबके पूरे करेगा, रोएगा असंग जन्मों तक। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो इसलिए परमात्मा यहाँ आकर के हमें जगाते हैं, समझाते हैं कि बोली आत्मा यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हो और बाकी तुम ये इसी काम लगे हुए हो तो ये मनुष्य जीवन वाला काम नहीं कर रहे, गोबर के भूंड का काम कर रहे हो।